एक कबूतरी जंगल में अपने दो बच्चों के साथ रह रही होती है। उन्होंने एक बहुत प्यारा सुंदर सा घर बनाया होता है। कबूतरी हमेशा अपने बच्चों को कहती है, अरे मेरे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, घोंसले से नीचे नहीं जाना। मैं खाना लेने जा रही हूँ और मैं जानती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और कहना मानते हैं। मेरे बच्चों, जो माँ बाप का कहना मानते हैं वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहते हैं, और मैं जानती हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। कबूतरी मन ही मन में सोचती है कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरा कितना कहना मानते हैं, और जब मैं जो काम कहती हूँ उस पर अमल करते हैं। इसके बाद कबूतरी अपने दोस्त के साथ खाना लेने चली जाती है और बच्चे वहाँ बैठे अपनी ममता का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अरे भाई, हमारी मम्मा बहुत दूर चली गई हैं, लेकिन हमें घोंसले से नीचे नहीं जाना। हमारी मम्मा कहकर गई है ना कि हमें इसी जगह रहना है, तो हम इसी जगह रहेंगे जब तक ममता वापस नहीं आ जाती। दोनों भाई आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं कि कबूतरी की दोस्त का वहाँ से गुज़र होता है। वो देखती है कि दोनों बच्चे बैठे हैं और उनकी ममता पास नहीं है। वो उन्हीं के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अरे मेरे बच्चों, आपकी ममता कहाँ गई है? मैं तो बहुत परेशान हूँ, आप दोनों बैठे हुए हैं और कोई चीज़ या चील आकर खा जाए तो मैं अब तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम लोग की ममता नहीं आ जाती। वो कबूतरी बहुत अच्छी होती है और बच्चों की ममता का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। जी जी आंटी, मेरी ममता खाना लेने गई है, वो कह रही थी घोंसले से नीचे नहीं जाना, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। मेरी ममता बहुत अच्छी है। आंटी जी, मेरी ममता बस आने ही वाली है, वो ज़्यादा देर नहीं लगाती, उन्हें पता है कि मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो बहुत जल्द लौट आएंगी। इतने में कबूतरी खाना लेकर वापस आ जाती है। वो अपने दोस्त को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। अरे कोको मेरे दोस्त, वाह, तुम्हारा यहाँ से कैसे गुजर हुआ? मैं तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत अच्छी हो, हमेशा की तरह मेरा ख्याल रखती हो और मेरे बच्चों का भी ख्याल रखती हो। बहुत अच्छा किया जो मेरे बच्चों के पास बैठी थी, मैं यही सोच रही थी कि मेरे बच्चे अकेले हैं। इस तरह कबूतरी अपनी दोस्त कोकू कबूतरी का शुक्रिया अदा करती है। कोकू कबूतरी वहाँ से चली जाती है और कबूतरी अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, इस तरह ख्याल रखते हैं, अगर कोई मुश्किल में हो या मुसीबत में हो तो उसका साथ देते हैं। देखो मेरी दोस्त कितनी अच्छी है और तुम लोग का कितना ख्याल रखा, मैं घर पर नहीं थी। इस तरह ज़िंदगी में जो भी अगर किसी को मुश्किलात आती हैं, मसाइब का सामना करना पड़ता है, तो हम लोग का हक है कि हम लोग उनको मुसीबत से निकालें, उनकी मुश्किलात को समझें। तुम लोग बहुत अच्छे हो, मुझे अपने बच्चों पर बहुत फख्र है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे मेरा हर कहना मानते हैं, और जो वालदैन की बात को मानते हैं वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं, और इस तरह तुम लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होगे। मेरी दुआएं तुम लोग के साथ हैं। वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दुआएं देती है, वो अपने बच्चों से बहुत खुश होती है।